हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिवां के खेलंती, शिवां के खेलंती, शिव शिरसि गंगा लहरिका, समुद्र गंभीर, समुद्र गंभीर, ध्वनि भर समुदीपित मदा, निरीक्षोत्कम्पम सरल हृदया धूर्णितवती, यमा सेव्यं देवं तमिह कलये चेत निलये, तमिह कलये चेत निलये। आ डम डम डमरू वाला बड़ा मत वाला, बड़ा मत वाला है, डम डम डमरू वाला बड़ा मत वाला, बड़ा मत वाला है। रहने को चाहिए मंदिर शिवालय, रहने को चाहिए मंदिर शिवालय, ओढ़न को मृग छाला बड़ा मत वाला, बड़ा मत वाला है, डम डम डमरू वाला बड़ा मत वाला, बड़ा मत वाला है। बाएं अंग में गौरा विराजे, बाएं अंग में गौरा विराजे, गोदी में गणपति लाला बड़ा मत वाला, बड़ा मत वाला है, डम डम डमरू वाला बड़ा मत वाला, बड़ा मत वाला है। शेषनाग का पड़ा जनेऊ, शेषनाग का पड़ा जनेऊ, गले नाग अति काला बड़ा मत वाला, बड़ा मत वाला है। डम 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 डमरू वाला बड़ा मत वाला, बड़ा मत वाला है। ओ मेरे राम, ओ मेरे राम,
रक्त से बीत रे उमरिया राम राम रक्त से रटते बीत रे उमरिया रघुकुल नंदन आओगे रघुकुल नंदन तब आओगे भिलनी की डगरिया राम राम रटते रटते बीत रे उमरिया राम राम रटते रटते मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे ए राम आएंगे आएंगे राम आएंगे ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे ओ मेरे जन्म जन्म के पाप कट जाएंगे राम आएंगे ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे ओ राम आएंगे तो अंगना पखारूंगी ओ राम आएंगे तो अंगना बुहारूंगी झूठे बेर अपने ओ मीठे बेर अपने राजों को खिलाऊंगी ओ मेरे जन्म जन्म के पाप धुल जाएंगे राम आएंगे राधो धीरे चलो ससुराल गलियां राधो धीरे चलो ए राधो धीरे चलो ससुराल गलियां राधो धीरे चलो ससुराल गलियां राधो धीरे चलो ससुराल गलियां राधो धीरे चलो श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता जो सर पे रख दिया जब हाथ तो किस बात की चिंता हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता राजी की दिव्य स्तुति जय जय त्रिभुवन बंदिनी गिरी नंदिनी है गिरी नंदिनी है असुरनी कंदिनी मातु जय जय शंभु प्रिय असुरनी कंदिनी मातु जय जय शंभु प्रिय त्रिगुण शक्ति निज धारिणी शुभ कारिणी है शुभ कारिणी है भक्त उदाहरण मातु जय जय शंभु प्रिय भक्त उदाहरण मातु जय जय शंभु प्रिय मधुकैटभ संहारिणी सुर तारिणी है सुर तारिणी है महिष विदारिणी मातु जय जय शंभु प्रिय महिष विदारिणी मातु जय जय शंभु प्रिय धूम्र विलोचन मोचनी प्रजलोचनी है प्रजलोचनी है दुख विमोचनी मातु जय जय शंभु प्रिय दुख विमोचनी मातु जय जय
शंभु प्रिय चंडमुंड भट मर्दिनी सुविलासिनी है सुविलासिनी है मंद हसनी सुर मातु जय जय शंभु प्रिय मंद हसनी सुर मातु जय जय शंभु प्रिय रक्त बीज रुधिरासिनी भयनासिनी है भयनासिनी है भूधर वासिनी मातु जय जय शंभु प्रिय भूधर वासिनी मातु जय जय शंभु प्रिय शुंभ निशुंभ विभंजनी रिपुगंजनी है रिपुगंजनी है शुमन रंजनी मातु जय जय शंभु प्रिय शुमन रंजनी मातु जय जय शंभु प्रिय धरणी धर वर दायिनी वर दायिनी है वर दायिनी है मृग रिपु वाहन मातु जय जय शंभु प्रिय मृग रिपु वाहन मातु जय जय शंभु प्रिय भूल चूक सब कर क्षमा करुणामयी है करुणामयी है मम शिर रख दे हाथ जय जय शंभु प्रिय मम शिर रख दे हाथ जय जय शंभु प्रिय आओ दुर्गे दुर्गति नाशिनी दुर्मति हरिये दुर्मति हरिये शुद्ध बुद्धि दे मातु जय जय शंभु प्रिय शुद्ध बुद्धि दे मातु जय जय शंभु प्रिय शुद्ध बुद्धि दे मातु जय जय शंभु प्रिय प्रेमतुली विंध्या चल महारानी की जय जयकार शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय श्री सत्य नारायण अष्टकम् आदिदेवं जगत्कारणं श्रीधरं लोकनाथं विभुं व्यापकं शंकरं सर्वभक्तेष्टदं मुक्तिदं माधवं सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे सर्वदा लोककल्याणपारायणं देवगो विप्र रक्षार्थ सद्विग्रहं दीनहीनात्मभक्ताश्रयं सुन्दरं सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे दक्षिणेयस्य गंगा शुभा शोभते राजते सारमायस्य वामे सदा यप्रसन्नाननो भाति भव्यश्च तं सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे संकटे संगरे यं जनः सर्वदा स्वात्मभिनाशनाय स्मरेत् पीडिता पूर्णकृत्यो भवेत् यत् सदाच तं सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे वांछितं दुर्लभं यो ददाति प्रभो साधवे स्वात्म भक्ताय भक्ति प्रिय सर्वभूताश्रयं तमे विश्वं भरं सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे ब्राह्मण साधु वैश्यश्च तुंगध्वजो ये भवं विश्रुता यस्य भक्त्यामरा लीलया यस्य विश्वं
ततं तं विभुं सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे येन चाब्रह्म बालत्रिणं धार्यते सृज्यते पाल्यते सर्वमेतज्जगत् भक्तभावप्रियं श्रीदयासागरं सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे सर्वकामप्रदं सर्वदा सप्रियं वन्दितं देववृन्दैर्मुनीन्द्रार्चितं पुत्रपौत्रादि सर्वेष्टदं शाश्वतं सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे अष्टकं सत्यदेवस्य भक्त्या नरः भावयुक्तो मुदा यत्रितंभ्यं पठे तस्य नश्यन्ति पापानि तेनाग्निना इन्धनानिव शुष्काणि सर्वाणि वै इति श्री सत्यनारायणाष्टकं श्री सत्यनारायणार्पणमस्तु प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की जय। नमस्कार मित्रों, आत्मनिवेदन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। सभी मनोकामना की पूर्ति हेतु और सप्तसती पाठ का संपूर्ण फल प्राप्ति हेतु रामचरित मानस की इन चौपाइयों को श्रवण करने से पूरी सप्तसती पाठ का फल प्राप्त होता है। सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अगर किसी स्त्री का विवाह ना हो रहा हो तो इन चौपाइयों का पाठ करें या श्रवण करें नित्य, तो शीघ्र विवाह हो जाता है और सभी प्रकार की इच्छा को भगवती पूर्ण करती है। भाव से श्रवण करें। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजवदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। नहीं तब आदि माध्य अवसाना, अमित प्रभाव बेदु नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिण, विश्व विमोहनि स्वबत बिहारिणी। पति देवता सुतीय महु मातु प्रथम तव रेखा, महिमा अमित न सकहिं कही सहस शारदा शेष। सेवत तो ही सुलभ फल चारी, वरदायनी पुरारी प्यारी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। मोर मनोरथ जान हुनी के, बसहुं सदा उर पुर सब ही के। तीनेउ प्रगटन कारण ते ही, अस कहीं चरण गहे बैदे ही। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी। सागर सिय प्रसाद तिर धरे हो, बोली गौरी हर सोही भरे हो। सुनु पिय सच आशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। नारद वचन सदा सुचि साचा, सुबरु मिली जाहि मनु राचा। मनु जाहि राच्यो मिली सोबरु, सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान तीलो, तने हो जानत रावरो। एहि भांति गौरी असीत सुनितिया, सहित हिया हर्षियली। तुलसी भवानी पूर
मुदित मन मंदिर चले, जानी गौरी अनुकूल दियहि हर सुन जाय कही, मंजुल मंगल मूल बामंग फरकन लगे। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करम गुरुदेव गिराई, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, तो तुम जानहु अंतरयामी, गुरुवहु मोर मनोरथ स्वामी। अमंगल भवन पतये नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। हाथ जोड़ के गणपति भगवान को प्रणाम करिए। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मंगलं भगवान विष्णुः, मंगलं गरुणध्वजः, मंगलं पुंडलीकाक्ष, मंगलायतनो हरि। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अथ पवित्रे करणम् माम्। ओम आपावितरः पावित्रो वा। ओम भगवते श्रीमन्नारायणाय नमो नमः। अब बाहर से और भीतर से पवित्र होने के लिए भगवती गंगा का स्मरण करना है और प्रार्थना करनी है। भगवती हम सबको पवित्र बनाए, स्थान को, मन को, वाणी को पवित्र बनाए, ताकि भगवान श्री शनिश्चर महाराज की कृपा प्राप्त हो और सभी ग्रहों की अनुकूलता की सिद्धि हो। ओम अपवित्र पवित्रो यत्मरेत पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यंतरः शुचिः, सर्वं शुचिः सर्वं पुनातु सर्वे साधनानि स्थलानि शुचिवत केशवादित्रात्मनम केशवाय नमः स्वाहा, माधवाय नमः स्वाहा, गोविंदाय नमः स्वाहा, ऋषिकेशाय नमिति मंत्रेण तौ प्रक्षाल्य कुशपवित्रे धारणम् पवितरे स्थो वैष्णव्यो सवितुर्वह प्रशवद्भूनाम्य छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः, तस्य दे पवित्रपते पवित्रपूतसि यत्कामः पुनेदच्छकेयम् माम्। ओम तत्परम प्राणायाम। ओंकार का ध्यान करते हुए प्राणायाम करिए। ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः, कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमः। ओंकारम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। अथ स्वस्ति वाचनम मा हरिः ओम मा। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न भूखा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः,
स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः एकादश वा मरुतः कृष्णीमातरः सुभैया वानो विदधे कुजग्मयः अग्निर्जिह्वा मानवः सूरजक्षसो विश्वे नो देवा अवतागमन्निह भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गै तुष्टुवागुंसस्तानुभिर्यशेमहि देवहितं यदायुः शतमिन्दुशरदो अन्तिदेवा यत्रादशकरा जरसन्तनूनां मा पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मत्यारीरिखतायुर्गन्तो ओ आदितिर्द्यौरादितिरन्तार्क्षमादितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा आदितिः पञ्च जना आदितिर्जातमदितिर्जनितवम् द्यौः शान्तिरन्तार्क्षको शान्तिः पृथिवी शान्तिरा पह शान्तिरोगधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधीयतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रान्तन्न आसुव अथ देवतान् नमस्कारः सिद्ध श्रीमन्महागणाधिपतये नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमा महेश्वराभ्यां नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः शची पुरंदराभ्यां नमः माता पिता चरणकमलेभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वाभ्यो देव्यै नमः एतत्कर्म प्रधानदेवता भगवान् श्री संशनिश्चराय नमो नमः अनंतकोटि नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि अथ मंगलश्लोकः सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः गम्भ्रके दुर्गणाधीक्षो बालचन्द्रो गजाननः सहितानि नामानि अपटे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सङ्कटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये अभिप्सितात् सिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते तदेव लग्नं सुदिनं तदेव राबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते गयुगं स्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषामिन्दि वृषामो हृदयस्थो जनार्दनः यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः अनन्याशिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यापि युक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहं प्रतेः सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं सर्वेष्वारम्भकार्येषु त्रयस्त्री भुवनेश्वरा देवादिशन्तु न सिद्धिं ब्रह्मेशा न जनार्दन विश्वेशं माधवं डुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गङ्गा भवानी मणिकर्णिकां विनायकं गुरुर्भानुर्ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा निर्विघ्नार्थे सिद्ध श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः अथ सङ्कल्पः ॐ विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः पूर्वोच्चारितग्रहगुणगणविशेषणविशिष्टायां शुभपुणीयतिथौः अद्य षण्डिल्यगोत्रोत्पन्नः भाविशर्मणः यजमानस्य ॐ शनिश्चर्महादेवस्य कृपाप्रसादसिद्ध्यर्थं यथाशक्तिभक्तिद्वारा ॐ ऐं ह्रीं श्रीं शनये नमः इति मन्त्रस्य ॐ शाण्डिलगोत्रोत्पन्नः ज्ञानेशः नीलेशः सचिनशर्मणः ब्राह्मणद्वारा यथासङ्ख्याकं जपमहं करिष्ये ॐ जजाग्रतो दूरमुदैति देवं ददतु तथैवैति
दूरंगमं ज्योतिघं ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। प्रेम से बोले शनिश्चर महाराज की जय। पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। जय पुण्यम पुण्याहम दीर्घ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभो, जय जय माखन चोर। सीता राम चरण अति पावन। भगवान श्री राम का चरित्र अति पावन है। पिछले वीडियो में कुछ समस्या के कारण आवाज़ नहीं आ रही थी। किंकर सौरभानंद जी, आपसे अनुरोध है कि आपको आवाज़ आ रही है तो मुझे कृपया सूचित करिए, क्योंकि ये यंत्रों की सहायता से। जय श्री राम प्रभु। मंगल भवन मंगल हारे, द्रवहुं सुदशरथ अजर बिहारी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहुं गुरुदेव किनाई। तो भाव से पुनः आज के सत्संग सत्र में कुछ नूतन दिव्य संकलनों के साथ आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। जितना हो उतना भगवत नाम का प्रचार हो, भगवान की सेवा हो, भगवान के की आराधना हो, इसी भाव के साथ। तो आइए पुनः भगवान श्री कृष्ण के द्वादश स्तोत्र का मैं पाठ करता हूँ। भगवान के इन 12 नामों को पाठ करने से कहते हैं भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है, और कहते हैं सर्व पाप ही प्रमुच्यते, सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। और कहते हैं चांद्रायण सहस्राणी कन्यादान शतानि च, जो हजारों चांद्रायण का फल प्राप्त होता है, हजारों कन्या 100 कन्यादान का फल प्राप्त होता है, और हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और विशेषकर जो अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन या द्वादशी के दिन भगवान के इस द्वादश नाम का पाठ करें। भगवान के 12 नाम कल्याण करते हैं। और ये कहाँ से संकलन मुझे प्राप्त हुआ है, ये है श्रीमन महाभारत के अरण्य पर्व में। आप जब महाभारत का पाठ करेंगे, महाभारत के अरण्य पर्व में भगवान के 12 नाम हैं, तो 12 नाम स्तोत्र का मैं पाठ करता हूँ। आज के इस सत्संग सत्र में आप हमसे जुड़िए, और सभी को जोड़ने का भी प्रयास करिए, सभी शेयर करिए, क्योंकि भगवान नाम का जितना प्रचार हो उतना ही श्रेष्ठ है। जितना हो सके हरी चर्चा हो, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, न जाने अकाल ही लोगों को मृत्यु होने लग गई है। हम आप कब तक यहाँ पे सुरक्षित रहेंगे, ये तो मेरे ठाकुर जाने, पर जब तक सुरक्षित हैं कुछ करके जाया जाए, है ना। तो इतना हो सके भाव से प्रचार प्रसार करिए भगवान नाम का। तो भगवान श्री कृष्ण के द्वादश नाम, जो कि महाभारत से मैंने इसका संकलन प्राप्त किया है, भाव से श्रवण करिए। श्री कृष्ण उवाच किं ते नाम सहस्रेण विज्ञाते न तवार्जुन, यानि नामानि विज्ञाय नरः पापै प्रमुच्यते। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तू मेरे 1000 नाम को जानने से तेरा क्या प्रयोजन है, 1000 नाम को जानने की अपेक्षा अगर कुछ जानना ही चाहता है भैया, तो एक काम कर, मेरे केवल द्वादश नाम को जान जा, भगवान कृष्ण के 12 नामों को जान जाए, उससे तेरा कल्याण हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने मुख से ये कहा है, ध्यान से श्रवण करिए। प्रथमं तो हरिं विद्यात्, द्वितीयं केशवं तथा, तृतीयं पद्मनाभं च, चतुर्थं वामनं स्मरेत्, पंचमं वेदगर्भं तु, षष्ठं च मधुसूदनं, सप्तमं वासुदेवं च, वराहं चाष्टमं तथा, नवमं पुंडरीकाक्षं, दशमं तु जनार्दनं, कृष्णमेकादशं विद्यात्, द्वादशं श्रीधरं तथा। भगवान के 12 नाम। पहला नाम भगवान का आप ध्यान से श्रवण करिए, पहला नाम है हरि,
दूसरा केशव, तीसरा पद्मनाभ, चौथा वामन, पांचवा वेद गर्भ, छठवा मधुसूदन, सातवां भगवान का नाम है वासुदेव, भगवान का आठवां नाम है वराह, नौवां नाम पुंडरीकाक्ष, दसवां जनार्दन, एकादशवां श्री कृष्ण और द्वादशवां बारहवां श्रीधर। जो इन बारह नामों का उच्चारण करता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। और कहते हैं एतानि द्वादश नामानि विष्णु प्रोक्ते विधीयते सायं प्रातः पठे नित्यं तस्य पुण्यफलं शृणु। जो सायंकाल और प्रातःकाल इसको पढ़ता है उसका फल सुनिए, क्या फल बताया है, कहा चांद्रायण सहस्त्राणि कन्यादान शतानि च, हजारों चांद्रायण व्रत का फल प्राप्त होता है, सैकड़ों कन्यादान का जो फल है वो प्राप्त होता है, हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। अमायां पौर्णिमास्यां च द्वादश्यां तु विशेषतः, अमावस्या पूर्णिमा और द्वादशी को भगवान के बारह नामों का पाठ करने से कहते हैं प्रातःकाले पठन नित्यम सर्व पापै प्रमुच्यते, प्रातःकाल पठन करने से सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो ये भगवान कृष्ण का बारह नाम है जो कि महाभारत के अरण्य पर्व में है और इसका इसकी विशेष महिमा है। इस प्रकार से कहते हैं भगवान की विशेष कृपा, देखिए कलयुग क्या है, का कलयुग केवल नाम आधारा सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल भगवान के नाम का ही आधार है भैया, केवल नाम का ही आधार है, और भगवान के नाम को ही स्मरण करते करते सभी जन इस भवसागर से पार हो गए, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। तो नाम का आधार है और यह नाम की महिमा सभी ग्रंथों में गाई गई है। जितनी भगवान के नाम गा लिए जाए, जितने भगवान के नाम का उच्चारण हो जाए, जितने भगवान के नाम का जप हो जाए, उतनी ही जीवन में सभी प्रकार की कामनाओं की भी पूर्ति होती है और भगवान की अहेतु की कृपा प्राप्त होती है। हमसे जो जो जुड़े हैं सभी मित्रों को साधुवाद। हमारे भैया पंडित सोमनाथ शास्त्री जी आपको प्रणाम है भैया, आपकी आपकी वाणी को सुन करके जीवन धन्य हो जाता है और आपका जो धर्म प्रचार है उसके लिए मैं आपको बार बार वंदन अभिनंदन और आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। इसी प्रकार आप भी भगवान नाम का प्रचार प्रसार करते रहे हैं, आपको प्रणाम। किंकर सौरभानंद जी भैया आपको बहुत बहुत प्रणाम है भाई, आपकी भगवत भक्ति और भगवत निष्ठा को प्रणाम करता हूँ। राम शरण पयासी संजय मिश्रा जी भैया जय जय श्री राधे, आपको भी बहुत बहुत साधुवाद है भैया। छोटू शास्त्री जी हमसे जुड़े हैं भैया, श्रीमन नारायण जय श्रीमन नारायण, और जो जो मेरे मित्र मुझसे जुड़ रहे हैं सभी को भैया जय श्री कृष्ण। इस लॉकडाउन के पीरियड में जितना धर्म प्रचार हो जाए उतना ही विशेष है, और मेरा तो हमेशा उद्देश्य रहा है कि जितना हो उतना प्रचार करें, विज्ञान का सदुपयोग करने में बुराई क्या है। तो आप सभी भी ऑनलाइन सेवा कर सकते हैं, कर्मकांड बंद नहीं होगा, कर्मकांड ऑनलाइन करिए, सारे कर्म विज्ञान के माध्यम से भी संपन्न हो सकता है, तो वो चिंता का विषय नहीं है। आइए, एक श्री नारायण स्तोत्र मुझे प्राप्त हुआ है, भगवान का बड़ा दिव्य स्तोत्र है और ये नारायण स्तोत्र अद्भुत है, इसको भाव से अगर आप गायन करें तो दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। तो आप ध्यान से श्रवण करिए और गाने का प्रयास कर सकते हैं। नारायण नारायण जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय गोपाल हरे, नारायण नारायण जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय गोपाल हरे। करुणा पारा वारा वरुणालय गंभीरा, घन नीरद संकाशा कृत कलिकल्मष नाशा, नारायण नारायण जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय गोपाल हरे। यमुना तीर विहारा धृत कौस्तुभ मणिहारा, पीतांबर परिधाना सुर कल्याण निधाना, नारायण नारायण जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय गोपाल हरे। मंजुल गुंजा भूषा माया मानुष वेशा, राधाधर मधुरसिका रजनी कर कुल तिलका,
नारायण नारायण जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय गोपाल हरे, जय जय गोविंद हरे 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 गोपाल हरे। मंजुल गुंजा भूषा माया मानुष वेशा, राधाधर मधुर सिका रजनी कर कुल तिलिका। नारायण नारायण जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय गोपाल हरे, जय जय गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय गोविंद हरे गोपाल हरे। मुरली गान विनोदा वेदस्तुत भूपादा, बरही निबरहा पीड़ा नट नाटक फणि क्रीड़ा। नारायण नारायण जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय गोपाल हरे। वारिज भूषा भरणा राजीव रुक्मिणी रमणा, जलरो हद दल निभ नेत्रा जगदारंभक सूत्रा। वारिज भूषा भरणा राजीव रुक्मिणी रमणा, जलरुह दल निभ नेत्रा जगदारंभक सूत्रा। नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे, गोविंद हरे जय जय गोपाल हरे। गोवर्धन गिरी रमणा गोपी मानस हरणा, मुनि मानस विहारा मुष्टिक चाणुर संहारा। नारायण नारायण जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय गोपाल हरे। पातक रजनी संहर करुणालय मामोद्धर, माम मुरली कर धीवर पालय पालय श्रीधर। नारायण नारायण जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय गोपाल हरे, जय जय गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय गोविंद हरे गोपाल हरे। भगवान के दिव्य नामों के साथ ये संकीर्तन है, तो भाव से श्रवण करने से ये भगवान का जो दिव्य नाम है वो कल्याण करता है। और कई प्रमाण पड़े हैं, जैसे अजामिल जो है उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। श्री वाल्मीकि जी उल्टा नाम जपने से ब्रह्म समान हो गए। अजामिल जी ने कुभाव से ही नारायण नारायण अपने पुत्र को ही पुकारा, लेकिन नाम लेने मात्र से भगवान ने उनको सदगति प्रदान करी। तो नाम की विशेष महिमा है साहब, जितनी गाली जाए उतना ही कल्याण है। तो इस प्रकार से मैंने ये दिव्य जो संकलन प्राप्त किए हैं, मैं प्रयास कर रहा हूँ आप सभी के बीच में बांट दिए जाएँ, आप सभी इसका लाभ ले सकें। और लॉकडाउन में कहीं आना जाना तो है नहीं, सभी हैं घर में ही, और जितना हो भजन हो, जितना हो विज्ञान के माध्यम से अगर हम भगवान नाम का संकीर्तन कर लें, भगवान के नाम का जप कर लें, पूजन कर लें, तो कल्याण की प्राप्ति होती है। मुझे आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ एक श्लोकी रामायण। कहते हैं एक श्लोकी राम, एक श्लोक में पूरे रामायण के पाठ करने का फल प्राप्त कैसे किया जाए, तो एक श्लोक में भी पूरी रामायण है। आप लोग ध्यान से श्रवण करिए, न पूरा रामायण पढ़ पाए तो काकभुशुंडी रामायण का पाठ करिए। मेरे प्यारे छोटे भाई शुभम मिश्रा जुड़े हैं, इनको बहुत बहुत साधुवाद, और आपकी भगवत भक्ति को, आपके सरस्वती जी की साधना को प्रणाम करता हूँ। और बार बार यही माता रानी से प्रार्थना करूँगा, किसी प्रकार जो धर्म की जो ध्वजा फहरा रहे हो, आप चारों दिशाओं में धर्म की ध्वजा फहराएं। और शुभम मिश्रा जी, इसी प्रकार से आपके द्वारा भगवान के दिव्य नामों का संकीर्तन, दिव्य मानस की चौपाइयों का गायन, और भगवान के मीठे मीठे मधुर रसयुक्त भजनों का गायन आपके द्वारा होता रहे, हम सबको भी श्रवण लाभ मिलता रहे। तो मैं प्रभु से यही प्रार्थना करूँगा, कैसे जो हमारे युवान भाई बंधु हैं, जो मेरे जवान भाई बहन हैं, सभी भगवान नाम का संकीर्तन करें। और ये भगवान नाम ही साधन है, याद रखना। आप देखिए, म्यूज़िक तो म्यूज़िक है ना, संगीत तो संगीत है, संगीत का आनंद, लेकिन अगर आप आध्यात्मिक संगीत की प्राप्ति कर लें, या कि क्लासिकल गाने का प्रयास करें,
तो हृदय को शांति प्राप्त होती है। भगवान का भजन गाएं तो हृदय को शांति प्राप्त होती है। और आजकल के जो संगीत गाए जाते हैं वो हृदय में नहीं पूरे शरीर में कौतूहल मचा देते हैं। तो प्रयास यही हो कि मेरे जवान भाई बहन भगवान के नाम को गाएं, भगवान के भजन को गाएं। और उसमें से श्रेष्ठ मेरा छोटा भाई शुभम मिश्रा, बहुत दिव्य कार्य कर रहे हो भैया, बहुत बहुत साधुवाद है। और मैं तो यही प्रार्थना करूंगा इसी प्रकार से आप दोनों भाई शुभम और स्वयं मिश्रा छोटे वाले जी, जो दिव्य तबला भी बजा ले रहे हैं, ढोलक भी बजाते हैं, कभी सौभाग्य मिला तो आपके साथ मैं भी सम्मिलित होऊंगा आपकी मंडली में और भगवान के नाम का भजनों का गायन होगा, आनंद आएगा। तो प्रयास होगा, देखिए कब ईश्वर ये लॉकडाउन समाप्त करे, कब वो लीला बने, कब वो समय मिले कि हम आपके यहाँ आए, आप हमारे यहाँ आए, भाव से दिव्य भजनों का गायन होता रहे। अभी एक श्लोक की रामायण आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम वालीनिग्रहणम समुद्रतरणम लंकापुरे दाहनम पश्चाद रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम एतद्धि रामायणम। एक श्लोकी रामायण कहते हैं, पहले राम आदो राम तपोवनादिगमन, पहले राम जी कहाँ गए तो यहाँ तक रामलीला प्रारंभ करी है श्लोक में कि पहले राम जी का तपोवनादि में गमन हुआ है, तपोवन में गए हैं। फिर क्या किया, का हत्वा मृगम कांचनम, वो सोने के मृग का भगवान ने उनकी हत्या करी है। माया का जो मारिच बना था है ना, माया का मारिच सोने का मृग बना था और माया की सीता उसमें उलझ गई थी, तो भगवान की लीला थी, भगवान जाने, भगवान ने उस मारिच का वध किया। तो हत्वा मृगम कांचनम, आगे लीला बताया, वैदेही हरणम, तब रावण आकर के श्री वैदेही जी का हरण करके ले गया है रामलीला के अंतर्गत। तो और फिर उनको बचाने के लिए पक्षीराज जटायु जी का मरण हुआ है। वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम। फिर भगवान खोजते खोजते सीता जी की खोज में निकले तो सुग्रीव जी से मित्रता करी है, सुग्रीव जी के साथ संभाषण स्थापित किया है। वाले निग्रहणम समुद्र तरणम, फिर बाली का वध किया है प्रभु ने और समुद्र तरण, वो लंका जाने के लिए भगवान ने पुल बांधा है और समुद्र का उल्लंघन किया है, समुद्र को पार किया है। लंकापुरे दहनम, और फिर लंकापुरी का दहन हुआ है। पश्चाद रावण कुंभकर्ण हननम, पश्चाद रावण और कुंभकर्ण का हनन हुआ है। एतद्धि रामायणम, इतना इस रामायण है। पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम, तो इस प्रकार से ये संक्षिप्त रामायण, एक श्लोकी रामायण कहते हैं। तो हमने अपने एक श्लोकी रामायण का पाठ किया है। हमारी बिटिया रानी संस्कृति हमारे साथ यहाँ पे आ गई हैं, बिटिया रानी को बहुत सारा प्रेम है। देखिए एक बाप जब जब हमारे पास बिटिया होती है ना, देखिए पुत्री का पिता होने का एक विशेष रस है। कहते हैं ईता बेटी नहीं है गंगा जल है हो, ईता बेटी नहीं है गंगा जल है हो, ईता परमा पवित्र ईता परमा पवित्र तुलसी दलहाय हो, ईता बेटी नहीं है गंगा जल है हो, ईता बेटी नहीं है गंगा जल है हो। माय बिटिया रानी, भैया से समथिंग माय फ्यूचर वर्ड। अरे आकाश राज हमसे जुड़े हैं भैया, फ्यूचर आपको जानना है तो आप हमारा कांटेक्ट नंबर लीजिए, नीचे हम आपको डिस्क्रिप्शन में भेज देंगे और वहां से आप हमसे जुड़ करके और आप अपना भविष्य जान सकते हैं।
आप अपना टाइम डेट प्लेस मुझे व्हाट्सअप करिएगा, प्रयास करेंगे हम आपको आपके शंका का समाधान करने का। तो निश्चिंत रहिए, अभी भजन सत्र है, संकीर्तन सत्र है, तो भाव से भगवान के दिव्य श्लोकों का गायन करते हैं, भाव से श्रवण करिए, यही आपका फ्यूचर बना देंगे, है ना। तो फ्यूचर बनाना है तो चिंता ना करिए, भजन करिए। नंद कुमार अष्टक, देखिए भगवान नंद कुमार, भगवान बालकृष्ण के अष्टक का भी पाठ यदि हम करें तो सभी प्रकार के मनोकामना की पूर्ति हो सकती है, ये चिंता नहीं है। तो यहाँ पे देखिए एक हमें प्राप्त हुआ है यहाँ पर दिव्य स्तोत्र, वृत्ता, जो वृत्रासुर हैं उनके चतुश्लोक हैं, तो चतुश्लोक का यहाँ मैं पाठ करता हूँ, भाव से श्रवण करिएगा। अहम हरे तव पादैकमूला दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गणेतवा कर्म करोतु कायः। हिंदी में अगर मैं इसे गाने का प्रयास करूं, प्रभो चहूं मैं तुझ पाद सेवा और हो ना मुक्त उपाधियों से, तेरे गुणों में मम चेत राजे, वाणी भजे गाए शरीर नाचे। तो वृत्रासुर कहते हैं भैया चार चतुश्लोक में, पहला श्लोक है कि हे हरि, मैं बार बार केवल आपके चरणारविंद का आश्रय करने वाले दासों का दास बनूं। दास ना बनाइए, अपने दासों का दास बना दीजिए, दासानुदास, जो आपकी सेवा करते हैं ना, ऐसे कोई भी भूदेव, ऐसे कोई संत साधु महापुरुष, ऐसे कोई भगवत प्रेमी, उनका उनका मैं दास बन जाऊं, ये आशीर्वाद हमको प्रदान करिए। और कहते हैं मेरा मन और मेरे प्राणपति आपके गुणों का ही स्मरण करता रहे। मन देखिए बड़ा चंचल है ना, हम कहते हैं ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, है ना। तो ये मन जो चंचल मन भी है, ये क्या करे, कहते भैया ये चंचल मन भी केवल आपके ही नाम का, गुणों का चिंतन करे, ऐसी कृपा दृष्टि हम पे बनाइए। मन भी केवल आपका चिंतन करे, मन भी केवल आपके गुणों को गाए, ऐसा आशीर्वाद हमको प्रदान करिए। ये वृत्रासुर जी का ये चतुश्लोक, ये चार श्लोक में भगवान की स्तुति गाई है, इसको सुनने से या इसका पाठ करने से भगवत कृपा की प्राप्ति होती है, भगवान के प्रेम की प्राप्ति होती है। हाँ, और जो मेरा वाणी है, मेरी वाणी क्या करे, कहा मेरी वाणी केवल आपके गुणों का गायन करे, जब मैं कुछ गाऊं तो आपका गुण गाऊं, और मेरा शरीर हमेशा प्रभु आपकी सेवा करते रहे। ये वृत्रासुर स्तुति का पहला श्लोक। दूसरा स्तोत्र, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धि पुनर्भवं वा समंजसं त्वा विरहय कांक्षे। कहते तू ना मिले तो नहीं इंद्र होना, न होना पृथ्वी पति नरेश, तेरे बिना सिद्धि मुझे जचे ना, और मोक्ष की लेश मुझे स्पृहा ना। कहते हैं हे भगवान, आपको छोड़ के स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, चक्रवर्ती राज्य, रसातल का स्वामित्व, अणिमादि आदि योग की सिद्धियां और मोक्ष आदि की मुझे जरा भी इच्छा नहीं है, केवल आपकी कृपा मिल जाए, ये आशीर्वाद हमको प्रदान करिए। इनका दूसरा श्लोक, तीसरे श्लोक में भगवान की स्तुति करी है वृत्रासुर ने। अजात पक्षायव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्था प्रियं प्रियेव विषितं विषण्णा मनोरविंदाक्ष दिद्रेक्षते त्वाम। पक्षी के बच्चे माता को जैसे छोटे भूखे बछड़े ही गौ को, पत्नी पति को विदेश स्थिति को स्मरे यथा स्मरूं तथा मैं तुझ को। क्या कहते हैं, हे कमल नेत्र भगवान, बिना पंख के पक्षी
कि बच्चे जैसे माता को मिलने के लिए आतुर होते हैं, जैसे छोटे छोटे जो बछड़े हैं गाय के बछड़े गौ का दुग्ध पान करने के लिए आतुर होते हैं, और जैसे काम से जो आतुर युवती है, जो पत्नी है, विदेश गए गए हुए पति को देखने के लिए आतुर होती है, ऐसे ही हे परमात्मा मेरा मन आपके दर्शनों के लिए आतुर हो जाए, ऐसा आशीर्वाद मुझे प्रदान करिए। चौथे श्लोक में स्तुति करते हैं। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मात्ममजारगेः श्वासक्त चित्तस्य ननाथ भूया। श्वासक्त चित्तस्य ननाथ भूया। हिंदी में अगर गायन करूं, कर्मों के बंध से ही मैं माया में लीन तथा पियाचु, शरीर पत्नी सुत बंधु और वित्त में होवे न आसक्ति जरा भी चित्त में। भाव से कहते हैं कि हे नाथ, अपने कर्मों के संसार क्रम में भ्रमण करता हुआ उत्तम कीर्ति वाले आपके भक्तों की मित्रता मांगता हूँ। मित्रता मांगती किससे मांगी? कहा भक्तों की मित्रता। हे प्रभु, मैं आपके भक्तों के साथ मित्रता करूँ ताकि भगवान के भक्त जब हमें मिलेंगे केवल भगवान की भक्ति का ही गायन करेंगे, भगवान की ही चर्चा करेंगे। और हे प्रभु, आपकी माया से शरीर संतान स्त्री और घर में ही आसक्त चित्त वाले ऐसे मेरे चित्त में पुनः कोई आसक्ति ना आवे, जो हम केवल संसार में डूबे हैं, प्रभु इस आसक्ति का विनाश करिए। और ये प्रार्थना करी है, और तभी मैं दुसंग से बच पाऊंगा और आपकी भक्ति का अधिकारी बन पाऊंगा। ये चार श्लोक में वृत्तासुर ने श्रीमद् भागवत में भगवान की स्तुति करी है। तो कहते हैं वृत्तासुर जो है वो पूर्व जन्म में परम भगवत भक्त राजा चित्रकेतु थे, और चित्रकेतु जी माता पार्वती जी के श्राप से असुर योनि में जाकर के वृत्रासुर बने थे, और वृत्रासुर बनकर के जन्म लेना पड़ा था। किंतु पूर्व जन्मों की दृढ़ भक्ति से अंतिम समय में उनकी जो वृत्ति है वो कहा भक्ति परायणा बनी, प्रभु परायणा बनी, और उनकी आत्म ज्योति प्रभु में मिल गई है। इसीलिए कहते हैं जब इंद्र वृत्रासुर को वज्र लेकर मारने आया था, तभी वृत्रासुर ने रणभूमि पर ही गहन भाव से इन चार श्लोकों द्वारा भगवान की स्तुति करी, जो भगवान श्रीमद् भागवत में वृत्रासुर स्तुति के नाम से विख्यात है। इसका पाठ करने से हृदय में भक्ति प्राप्त होती है। तो यहाँ पे और एक दिव्य स्तोत्र श्रीमद् भागवत का है। युन्तः प्रवेश मम वाच मिमां प्रसुप्तां संजीवयत खिल शक्तिधर स्वधाम्नां अन्या सहस्तचरणा श्रवणत्वगादीन प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। कहते जो सर्वशक्तिमान मेरे हृदय में प्रवेश कर अपने तेज से मेरी सोई हुई वाणी को जगाते हैं, जो वाणी सोई हुई सुषुप्त वाणी है उसको जो जागृत कर देते हैं, उसको जो जगा देते हैं, और मेरे हाथ पैर कान त्वचा आदि जो दूसरी इंद्रियां हैं वो प्राणों को सजीवन करते हैं, चलाते हैं, उस परम प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ, उस परम प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। जय जय श्री राधे। यहाँ बहुत सारे मित्र हमसे जुड़े हैं। कुछ भी महाराज जी, समुद्र का उल्लंघन नहीं किया, राम जी ने लंघन किया है, एक बार कृपया सत्य का वक्तव्य जरूर सुने, स्वयं कहा हुआ वक्तव्य जरूर। रामचंद्र उपाध्याय जी, भैया जय सिया राम। ये मुझे एक दिव्य संकलन प्राप्त हुआ है, इसमें समुद्र का उल्लंघन ऐसा शब्द ही लिखा है, ये मेरे शब्द नहीं है भैया, रामचंद्र उपाध्याय जी यहाँ पे यही शब्द लिखा है कि समुद्र तरणम के स्थान पर मैं आपको दर्शन करा दूं। आप देख सकते हैं, ये देखिए, यहाँ पे आपको मैं दिखा दूं, आपको तो उल्टा दिखाई पड़ेगा, मैं आपको फोटो भेज दूंगा। ये एक ग्रंथ प्राप्त हुआ है मुझे, बहुत दिव्य ग्रंथ है, इसमें दिव्य संकलन प्राप्त है, तो उसी के हिंदी जो शब्दार्थ भाव अर्थ लिखे उसी को मैं पठन कर रहा हूं। तो यहाँ पे समुद्र का उल्लंघन ऐसा ही शब्द लिखा है, लंघन के स्थान पर, तो हमने वही पढ़ा है। तो इसमें जो जो विद्वत जन है उनको अपनी विशेष बुद्धि न डालने का प्रयास करें, जितना हो हरि चर्चा में केवल आनंद लीजिए, और आप भी प्रयास करिए जितना भगवत भक्ति का प्रचार प्रसार हो उतना करिए, और भगवान नाम का प्रचार प्रसार करिए, सहयोग करिए, केवल दोष दर्शन ही ना करें, ये मेरी प्रार्थना है आप लोगों से भैया। केवल दोष दर्शन करोगे तो जी बुद्धि बड़ी कुत्सित हो जाएगी, है ना। अगर कहीं भी हरि चर्चा हो रही है तो गुण दर्शन करने का प्रयास करिए, मानस में एक
दिव्य श्लोक भी है, मानस में चौपाई भी है, दोहे में भी बाबा तुलसी ने यही समझाने का प्रयास किया है कि जो कुछ अगर हम गुण दर्शन करेंगे तब मनुष्य बना करके प्रभु ने हमको, तभी हमारा मनुष्य बनना सार्थक होता है। तो ज़्यादा दोष दर्शन ना करें, मैं मेरी बुद्धि नहीं लगा रहा हूँ यहाँ पर, इस ग्रंथ में जैसा लिखा हुआ है मैं वैसे ही पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरी बुद्धि के लिए मैं ग्रंथ का उपयोग नहीं करता भैया, मैं फिर ऐसे सीताराम जी की कृपा से भगवत भाव से जो कुछ हो जाता है वो गा लेते हैं, कह लेते हैं, पर यहाँ मैं ग्रंथ का सहारा लेकर के पाठ कर रहा हूँ। इसमें जो शब्द लिखे हैं मैं वहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ सचिन तिवारी जी ने भी प्रेषित किया है, उल्लंघन का मतलब है रावण की आज्ञा लिए बिना लंका को वो पुल बांध दिया, लांघ लिया है उसको। तो जो भी है, जो भी आप विद्वान जो आप लोगों को प्रणाम है भैया, इस प्रकार से आनंद लेते रहिए और मैं भी प्रयासरत हूँ। यहाँ पे यही लिखा हुआ है, तो इस प्रकार से मैं केवल ग्रंथ का पठन करने बैठा हूँ, यहाँ पे मैं मेरी बुद्धि का कोई किंचित मात्र भी प्रयोग नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप लोग बुद्धि का प्रयोग ना करिए, श्रद्धापूर्वक श्रवण करने का ही प्रयास करिए। इस ग्रंथ में बहुत अच्छे अच्छे श्लोक, बहुत अच्छी अच्छी सूक्तियाँ भी मुझे प्राप्त हुआ है, मैं इसे गाने का प्रयास करूँगा, आप लोग श्रवण करिए। एक और यहाँ पर प्राप्त हुआ है, दिव्य है, महाप्रभु जी की स्तुति प्राप्त हुई है, भाव से श्रवण करिए। श्री भागवत भावार्था विरभावार्थावतारितः स्वामी संतोष हेतु श्रीवल्लभ शरण मम। वल्लभाचार्य को मानने वाले सभी लोग इस श्लोक का पाठ कर सकते हैं। पंढरीनाथ जी की स्तुति है, पंढरीनाथ देखिए यहाँ पर पंढरपुर में, जब हम जाएंगे पंढरपुर में भगवान की, पंढरपुर में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे पंढरीनाथ विद्यमान है, तो उनका दर्शन करने के लिए बहुत दिव्य स्तुति है। महायोग पीठे तटे भीम रथ्या वरम पुंडरीकाय दातुं मुनीन्द्रैः समागत्य तिष्ठन्त मानन्दकन्दम परब्रह्मलिंगम भजे पांडुरंगम परब्रह्मलिंगम भजे पांडुरंगम परब्रह्मलिंगम भजे पांडुरंगम। इसलिए भगवान कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान् परित्यज्य, कहते हैं सभी धर्मों को त्याग करके क्या करना है, कहा मामेकं शरणं व्रज। भगवान कहते हैं भैया ज़्यादा आप संसार में उलझ जाओगे तो भक्ति नहीं हो पाएगी, जितना जितना आप ग्रंथों के में डूब जाओगे, जितना जितना आप पुराणों में डूबते चले जाओगे, भगवत भगवान से दूर हो जाओगे। सभी पुराणों का, वेदों का, उपनिषदों का सार यही है कि भगवान की भक्ति हो, और भक्ति नवधा बताई गई है, श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम। तो नौ प्रकार की भक्ति है, तो किसी भी भक्ति से कहते सर्वधर्मान् परित्यज्य, सभी धर्मों का त्याग करके क्या करिए, मामेकं शरणं व्रज। भगवान कहते हैं केवल मेरे एक की शरण में आ जा, बस एक बार आ जा गिरिराज की शरण में। आने से क्या होगा, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कहते हैं मैं तुझे सभी पापों से मुक्ति प्रदान करूँगा और मोक्ष प्रदान करूंगा। तो भगवान के शरण में जाने से, भगवान के नाम का संकीर्तन करने से सभी पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। तो यहाँ पे दिव्य स्तुति है, हम एक एक सर्वदैव स्तुति में आपको गाने का प्रयास करता हूँ। ये देखिए आप सर्वतोभद्र मंडल बनाते हो, तो सर्वतोभद्र मंडल में सभी देवताओं का वास होता है, तो इस स्तुति के द्वारा सभी देवों की स्तुति कर सकते हैं। यम शैवा समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदांतिनो बौद्धा बोध इति प्रमाण पटवः करतेति नैयायिकाः अरहन्यत्यथ जैन शासनरता
कर्मेति मीमांसकाः सोऽयं नो विददातु वाञ्छित फलं त्रैलोक्यनाथो हरिः। दिव्य स्तुति है। कहते हैं जिस परमात्मा को जो शैव है शिव नाम से पुकारते हैं, वेदांती जिन्हें ब्रह्म कहते हैं, बौद्ध जिन्हें बुद्ध कहते हैं, न्यायिक जो हैं उन्हें कर्ता के नाम से पुकारते हैं, जो जैन शासन रत है वो अरहन नाम से भगवान को पुकारते हैं, मीमांसक जिसको कर्म के नाम से उपासते हैं, ऐसे भगवान श्री हरि जो त्रिलोक के नाथ हैं वो हम सबको अभीष्ट फल प्रदान करें। ये दिव्य श्लोक है। इसका नित्य पाठ करने से भक्ति प्राप्त होती है। तो यहाँ पर भगवान माता तुलसी की दिव्य स्तुति है, नारायण की स्तुति है। आपको कोई स्तुति कर सुनने की इच्छा हो तो नीचे कमेंट करिएगा, प्रयास करेंगे भैया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जय जय श्री राम। जो जो हमसे जुड़े हैं सभी लोग बिल्कुल, जो भी जिनको जो भी संशय है, जो भी मन में प्रश्न हो, आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। छोटा बच्चा जान के बिट्टू गा दो, छोटा बच्चा जान के हमको गा दो। नहीं गाओगे? नहीं गाओगे? न गाओगे? देखिए बच्चों के साथ विशेष आनंद होता है। ना 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 ना। भगवान के यहाँ पर आपके सम्मुख में है भगवान के अष्ट नाम का यहाँ पर दिव्य संकलन प्राप्त हुआ है। विष्णु और नामाष्टक स्तोत्र कहते हैं। स्तोत्र का पाठ करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है, दुस्वप्न का नाश हो जाता है, शत्रुता का नाश हो जाता है, दरिद्रता का नाश हो जाता है। विद्वानों को प्रणाम है। कृपया आनंद लीजिए और भगवान की भक्ति करिए, नाम का संकीर्तन करिए, प्रयास करिए। विष्णुर्नामाष्टक स्तोत्रम् अच्युतं केशवं विष्णुं हरिं सत्यं जनार्दनं हंसं नारायणं चैव एतन्नामाष्टकं पठे त्रिसन्ध्यं य पठेन्नित्यं दारिद्र्यं तस्य नश्यति शत्रुसैन्यं क्षयं याति दुःस्वप्नं सुखदो भवेत्। गंगाया मरणं चैव दृढा भक्तिस्तु केशवे ब्रह्म विद्या प्रबोधश्च तस्मान् नित्यं पठेन्नरः। नित्य पाठ करिए। इन भगवान के आठ नाम है, अच्युत, केशव, विष्णु, हरि, सत्य, जनार्दन, हंस और नारायण। जो पाठ करता है दरिद्रता का नाश हो जाता है, शत्रुता का नाश हो जाता है और दुःस्वप्न आता हो, तो इसको पाठ करने से, भगवान के इन आठ नामों को पाठ करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। सभी प्रकार के पापों को परमात्मा क्षमा कर देते हैं। हमारे बीच पूज्य गुरुदेव श्री विजय महाराज जी का आगमन हुआ है, उनको प्रणाम करते हैं। और आपके ही प्रेरणा से हम सभी जो छोटे छोटे आपके बालक हैं वो प्रयास करते हैं कि जितना हो उतना भगवान नाम का प्रचार हो, भगवत भक्ति का प्रचार हो। और महाराज श्री की प्रशंसा मैं क्या करूं, आप महाराज श्री के जो गीत हैं उनको श्रवण करेंगे, यूट्यूब पे विजय महाराज जी को सर्च करिए, आनंद लीजिए इनके दिव्य गायन शैली का, इनके दिव्य वक्तव्य का, इनकी भक्तिमयी वाणी का, और अपने हृदय में भक्ति को जागृत करने का प्रयास करिए। हमारे सभी के प्रेरणा स्रोत श्री पंडित विजय महाराज जी को मैं पूर्ण प्रणाम करता हूँ। भैया पंडित विष्णुकांत पांडे जी हमसे जुड़े हैं, भैया बहुत बहुत साधुवाद। यहाँ पे पुनः अब देखिए, माता तुलसी के 16 ऐसे नाम हैं जिनका पाठ अगर हम करते हैं तो कहते हैं क्या मिलेगा, भक्ति प्राप्त होगी और अंत में हम सब विष्णु पद को जाएंगे। तो 16 नाम को श्रवण करते हैं आज इस शुभ अवसर पर। कौन से वर्ष 16 नाम है भगवान के, भगवती श्री तुलसी जी के। और कहते हैं हर सौभाग्यवती स्त्रियों को भगवती के 16 नाम का नित्य उच्चारण करना चाहिए। तुलसी श्री महालक्ष्मी विद्या अविद्या यशस्विनी धर्म्या धर्मानना देवी देव देव मना प्रिया लक्ष्मी प्रिय सखी देवी द्यौर भूमि रचला चला षोडशैतानि नामानि तुलस्या कीर्तये नरः लभते सुतराम भक्तिम अन्ते विष्णुपदम लभे। भगवान
कि भक्ति प्राप्त होती है और शरीर छोड़ने के बाद भगवान का परम पद प्राप्त होता है। भगवती श्री तुलसी जी के 16 नामों को श्रवण करें। कौन से तुलसी जी के 16 नाम हैं तो मैं आपको ध्यान से सुनते रहिए। तुलसी श्री महालक्ष्मी विद्या अविद्या यशस्विनी धर्म रूपा धर्म मुखी देवी और देवाचला, जो देवों के भी देव हैं भगवान श्री नारायण को प्रिय एस देवाचला, लक्ष्मी प्रिय सखी माता स्वर्ग भूमि अचला चला, ये 16 नाम है भगवती तुलसी महारानी की। जय। आगे देखेंगे भगवान विष्णु के 28 नाम हैं, 28 नाम हैं। कहते हैं अगर आप यहाँ पर अर्जुन जी ने कहा कि भगवान नारायण से कि हे केशव, कहते हैं भगवान आपके जो सहस्त्र नाम का पाठ तो हर वैष्णव को करना चाहिए, पर अगर हम सहस्त्र नाम का पाठ न कर पाए तो कुछ उपाय बताइए, जो मुख्य नाम है वो बताइए। तो भगवान स्वयं बताते हैं मेरे 28 नाम का पाठ अगर आप कर लेते हो भैया तो 28 नाम का पाठ करने मात्र से भगवत भक्ति प्राप्त होती है और सभी पापों से जीव मुक्त हो जाता है। तो अर्जुन विष्णु रष्टा विंशति नाम स्तोत्रम अर्जुन उवाच किम नु नाम सहस्राणि जपन्ते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि चाचक्ष्व केशव। अर्जुन कहते हैं कि हे केशव, अब आपके 1000 नाम को तो हम बार बार पढ़ सकते नहीं, इतना समय नहीं होता कलयुग के जीवों को, तो जो नाम दिव्य हैं अपने दिव्य 28 नाम को हमें सुनाइए, जिसका पाठ करने से कहते हैं ये सहस्र नाम का फल प्राप्त हो जाए। तो श्री भगवान वाच, भगवान के 28 नाम हैं, भगवान ने अपने श्रीमुख से कहा है मत्स्यम कूर्मम वराहम च वामनम च जनार्दनम गोविंदम पुंडरीकाक्षम माधवम मधुसूदनम पद्मनाभम सहस्त्राक्षम वनमालिम हलायुधम गोवर्धनम ऋषिकेशम वैकुंठम पुरुषोत्तमम विश्वरूपम वासुदेवम रामम नारायणम हरिम दामोदरम श्रीधरम च वेदांगम गरुड़ध्वजम अनंतम कृष्णगोपालम जपतो नास्ति पातकम गवाम कोटिप्रदानस्य अश्वमेधशतम कन्यादान सहस्रक्ष फलम प्राप्नोति मानवः अमायां पौर्णमात्यायम एकादशियां तथैव च संध्याकाले स्मरेन्नित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने च जपन्नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते। भगवान ने बताया मेरे 28 नामों का पाठ करें आपको सभी कुछ प्राप्त होगा। कहते हैं सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, करोड़ों गौदान का फल प्राप्त होता है, हजारों कन्यादान का फल प्राप्त होता है। जो अमावस्या पूर्णिमा और एकादशी के दिन प्रातः मध्यान्ह और सायंकाल को इन नामों का स्मरण पठन करता है तो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तो कौन से नाम है मैं आपको हिंदी में स्पष्ट बता दूँ, मत्स्य कूर्म वराह वामन जनार्दन। भगवान का देखिए मत्स्य अवतार भगवान का पहला अवतार है तो मत्स्य अवतार, दूसरा है कहते हैं कूर्म अवतार भगवान ने लिया है, यहाँ पे वराह अवतार ही भगवान का नाम है, वामन अवतार को धारण करने वाले जो जन्म मृत्यु चक्र का नाश करते हैं, जो जनार्दन है जो जिनको करुणा से पुकारा जाए तो परमात्मा रक्षा करते हैं, ऐसे भगवान जनार्दन। जो गोविंद हैं जो वाणी और इंद्रियों को यथार्थ रूप से जानने वाले हैं ऐसे गोविंद भगवान। जिनका नेत्र कमल के समान ऐसे भगवान पुंडरीकाक्ष। जो लक्ष्मी और देवी संपत्ति के स्वामी ऐसे भगवान माधव। जो मधु नाम के दैत्य का हनन करने वाले ऐसे भगवान मधुसूदन। जिसके नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई ऐसे भगवान पद्मनाभ। जो 1000 नेत्र वाले ऐसे भगवान सहस्त्राक्ष। जो वनमाला वैजंती तुलसी की माला धारण करते हैं वो वनमाली भगवान। हल को आयुध के रूप में धारण करने वाले बलराम, ये भगवान का नाम है। गायों का पोषण करने वाले भगवान गोवर्धन। जो इंद्रियों के स्वामी हैं वो भगवान ऋषिकेश। जिसका कोई अवरोध नहीं है, जिसकी कोई कुंठा नहीं है, ऐसे भगवान श्री वैकुंठ। जो सभी पुरुषों में उत्तम है ऐसे भगवान पुरुषोत्तम। जो विश्व के रूप में व्यक्त हैं, इसलिए भगवान का पहला नाम अगर आप श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तो भगवान का पहला नाम है विष्णु, है ना, भगवान का पहला नाम विश्वम विष्णुर वशटकारो भूत भव्य भवत प्रभु। भगवान का पहला नाम विश्व है तो जो विश्व के रूप में अब जो व्यक्त हो रहे हैं ऐसे भगवान श्री परमात्मा विश्व रूप। जो सभी में निवास करते हैं ऐसे भगवान वासुदेव। जो सभी में रमण करते हैं और या जाकि जिसमें सभी योगी रमण करते हैं ऐसे भगवान श्री राम। जो जल में निवास करते हैं ना, जो नार में निवास करते हैं जिसका अयन नार में है ऐसे भगवान नारायण। जो सभी पापों का हरण करते हैं ऐसे भगवान हरि।
जो यशोदा मैया ने जिनको उखली में बांधा था उनका नाम पड़ गया था दामोदर। जो लक्ष्मी जी के हृदय को धारण करते हैं ऐसे श्री भगवान श्रीधर। जो वेद भी जिसके अंग रूप हैं ऐसे भगवान वेदांग। जो ध्वजा पर गरुण का चिन्ह धारण करते हैं ऐसे भगवान गरुणाध्वज। जिसका कभी अंत नहीं होता। श्रीमद् भागवत में चतुश्लोकी भागवत का पहला श्लोक आपको बताऊं। पहले श्लोक में है भगवान, देखिए वहां पर चतुश्लोकी भागवत में मुझे अभी श्लोक याद नहीं आ रहा, कुछ किसी को याद है नीचे कमेंट में कर सकते हैं ताकि मुझे याद आ जाए। भाव यही है सुंदर, जैसे है ना, भाव यही है कि संसार जब समाप्त हो जाएगा तो जो शेष बचेंगे वो हैं परमात्मा। चतुश्लोकी भागवत एतावदेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासुनात्मनः। नहीं ये नहीं, जिन भी जो भी हमसे जुड़े हैं अगर श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक याद है तो एक स्टार्टिंग एक कड़ी लिखे तो मुझे याद आ जाएगा। फिर भी मैं भाव ये बता दूं कि हाँ, जिसका कभी अंत नहीं होता। भगवान का 27वां नाम अनंत और भगवान का 28वां नाम है कृष्ण गोपाल, जो गौ का पालन करते हैं ऐसे भगवान श्री कृष्णा। तो इस प्रकार से यहाँ पे भगवान के 28 नाम का पाठ करने से सभी प्रकार की कृपा की प्राप्ति होती है। अब हम श्रवण करते हैं भगवान के 100 नाम। विष्णु शतनाम स्तोत्रम नारद उवाच। देखिए अगर आपको ये 100 नाम हिंदी में पाठ करना है तो भगवान का नमन नमन कैसे करें? कहते हैं भैया ये विष्णु पुराण में है, ये जो विष्णु शतनाम स्तोत्र है, भगवान का शतनाम स्तोत्र श्री विष्णु पुराण से लिया गया है और भगवान श्री महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित है। ये प्रत्येक भगवान का नाम जो है वो मंत्र है, 100 के 100 नाम भगवान के वो मंत्र हैं। और मंत्र के आदि में ओमकार का उच्चारण करना होता है, अंत में नमः का उच्चारण करने से सब सभी पापों से मुक्ति होती है। तो यहाँ पे मैं श्लोकों का पठन कर रहा हूँ। अगर आपको भगवान का नाम ही लेना है तो जैसे भगवान का नाम है वासुदेवम ऋषिकेशम, तो आप कहेंगे वासुदेवाय नमः, ऋषिकेशाय नमः, वामनाय नमः। ठीक है, तो यहाँ से मैं पाठ करता हूँ। श्री नारद उवाच वासुदेवम ऋषिकेशम वामनम जलशायिनम जनार्दनम हरिम कृष्णम श्रीवत्सम गरुणध्वजम वाराहम पुंडरीकाक्षम नृसिंहम नरकांतकम अव्यक्तम शाश्वतम विष्णुम अनंतमजमव्ययम् नारायणं गदाध्यक्षं गोविंदं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शंखपाणिं नरोत्तमं वैकुंठं कृष्णदमनं भूगर्भं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नंदकेश्वरं रामं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भवोद्भवं श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशं मंगलं मंगलायुधं दामोदरं दयोपेतं केशवं केशिसूदनं वरेण्यं वरदं विष्णुम् आनंदं वसुदेवजं हिरण्यरेतसं दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमं सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतं हिरण्यतनुसङ्कासं सूर्यायुधसमप्रभं मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलेक्षणं ज्योतिरूपं अरूपं च स्वरूपं रूपसंस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेशं सर्वतोमुखम् ज्ञानं कूटस्थमचलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगीशं योगनिष्णातं योगिनं योगरूपिणं ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुं इति नामशतं दिव्यं वैष्णवं खलु पापहर व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनं यः पठेत् प्रातरुत्थाय स भवेद् वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुसायुज्यमाप्नुयात् चांद्रायणसहस्राणि कन्यादानशतानि च गवां लक्षसहस्राणि मुक्तिभागी भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः। इति श्री विष्णुपुराणोक्त विष्णुशतनामस्तोत्रं श्री नारायणार्पणमस्तु। तो ये भगवान के 100 नाम हैं। कहते हैं इसकी फलश्रुति ये है कि जो भैया प्रातः काल उठ करके सायं को और मध्या को
मध्याह्न के समय त्रिकाल में जो इन 100 नामों का पाठ करता है, कहते हैं सर्व पाप विशुद्धात्मा, सभी पापों से वो मुक्त हो जाता है जीव। भगवान के नाम कितनी मेरा है महिमा है, इसलिए कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरे नारा उतर ही पारा। नाम का प्रभाव, उल्टा नाम जपद जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपने से वाल्मीकि ब्रह्म समान हो गए, अजामिल को भी नाम से मुक्ति मिली है, तो नाम की महिमा है। ज्ञानेंद्र भैया बहुत बहुत प्रणाम, आचार्य सुनील शुक्ला बहुत बहुत प्रणाम। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सद सत्परम पश्चाद अहमेदे तच्च यो वशिष्येत सोऽस्मि अहम्। भगवान के 28वें नाम में, भगवान के नाम में कोई नाम था जहाँ पर हम ये चिंतन कर रहे थे। श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक, चतुश्लोक की भागवत का पहला श्लोक है अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सद सत्परम। का सद असद कुछ नहीं था, पहले अगर संसार में कुछ था तो भगवान कहते हैं केवल और केवल मैं ही था। अग्रे केवल अहम अपि, केवल भगवान ही थे। और संसार में जो दिख रहा है अहम एवासमेवाग्रे नान्यत् यत् सद सत् परम पश्चाद अहम यदेतच्च यो अवशिष्येत सोऽस्मि अहम्। जो कुछ दिख भी रहा है उस रूप में परमात्मा ही है, संसार के रूप में भगवान ही है, इसलिए भगवान का नाम है विश्वरूप। और कश्चात् कहते हैं पश्चाद अहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्मि अहम्, जो बचेगा वो मैं हूँ। जब काल संसार को निगल जाएगा भैया, तो जो शेष बचेगा वो कौन है, वो परमात्मा है। इसलिए भगवान अनंत है, भगवान का अंत नहीं है। नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा, भगवान का ना अंत है ना भगवान का आदि है। इसलिए सत्यनारायण अष्टक का पाठ हम जब करते हैं तो यही कहते हैं आदिदेवम जगत कारणम श्रीधरम लोकनाथम विभुम व्यापकम शंकरम सर्वभक्तेष्टदं मुक्तिदं माधवम सत्यनारायणम विष्णुमीशं भजे। भगवान आदि देव हैं, हे आदि देव, हे महादेव, हे कैसे गाते हो भाई, हे आदि देव, हे महादेव, हे तारमयी संतापमयी, हे काशीवासी, हे भोले, हे गंगाधरी, हे तीरमयी, हे गंगाधरी, हे तीरमयी बेलपत्र हम तुम्हें चढ़ाने आए हैं। भगवान आदि देव हैं, तो आदि देव परमात्मा का स्मरण होना चाहिए, उनकी भक्ति जीवन में बनी रहे ये प्रयास करना चाहिए। तो उससे क्या होगा, प्रभु की कृपा भयहुं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजो, है ना। तब लगेगा कि हर जगह प्रभु कृपा हो रही है और आपका हमारा जन्म सफल हो गया है। इसलिए वो गीत गाया ना जगदीश सिंह जी का, सुप्रसिद्ध गीत है जन्म सफल होगा रे बंदे मन में राम बसा ले, मन में राम बसा ले, आजा राम मेरे राम जय जय राम। जन्म सफल होगा रे बंदे मन में राम बसा ले, मन में राम बसा ले। भगवान का नाम मन में बसा लिया जाए तो जन्म सफल हो जाएगा भैया। यहाँ पे आचार्य सुनील शुक्ला जी भैया बहुत बहुत प्रणाम है, आप सभी भूदेवों को, सभी भूदेवों को प्रणाम है, क्योंकि भैया आप लोग इस भू के साक्षात देव हैं, तो आप देवों को प्रणाम करता हूँ किसी प्रकार से। देखिए गीता जी के 18 नाम का मैं उच्चारण कर रहा हूँ, तब तक सचिन भाई हमारे सामने आएंगे एक दिव्य भजन लेकर के। 18 नाम को सुनिए भगवान श्री गीता जी के, आप गीता जी का पाठ ना कर पाए तो 18 नामों का पाठ करिए। कहते हैं गीता गंगा च गायत्री सीता सत्या सरस्वती ब्रह्म विद्या ब्रह्मवल्ली त्रिसंध्या मुक्ति गेहिनी अर्धमात्रा चिदानंदा
भवग्नी भयनाशिनी वेदत्रयी परानंता तत्वार्थ ज्ञान मंजरी इत्येतानि जपे नित्यं नरो निश्चल मानसः ज्ञान सिद्धिं लभे शीघ्रं तथान्ते परमं पदं। भगवती गीता के 18 नाम है, 18 नाम का जो उच्चारण कर लेता है तो कहते हैं भैया शीघ्र ज्ञान की सिद्धि हो जाती है और अंत में परम पद की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए गीता मैया की जय हो। और यहाँ पर श्री यमुना जी के 28 नाम है, यमुना महारानी की बहुत कृपा प्राप्त होती है। अगर हम यमुना मैया के 28 नामों को सुनते हैं तो आप लोग सुनिए। श्री यमुना स्तुति, श्री यमुनाष्टाविंशति नाम स्तोत्रम्। कलिंदनंदिनी वंदे वंदनीय गुणान्विताम् श्री कृष्ण प्रेयसी तुरियाम् पतिभक्ति विवृद्धये। माता मे सूर्यतनिया पति वर्त्मनि वर्तिनी कृष्ण ध्यानैक संप्राप्त कृष्ण वर्णा शुचि स्मिता। प्राणनाथ वशीकर्त्रे व्रजलीला प्रदायिनी सदा सद्दयार्द्रहृदया कृष्ण हृत्कंजवासिनी प्रियमानस भावज्ञा भवबंध विनाशिनी षडैश्वर्यवती कृष्ण समाकृष्ण फलप्रदा निर्गुणां गुणगंभीरा पयःपानेन मुक्तिदा श्रीकृष्ण चरणां भोज रजःपूत जलाशुभा। कृष्ण पद्यत्यधिष्ठात्री देवी दिव्य वपु प्रदा सदा ब्रह्मेश देवेन्द्र वंद्यमान पदाम्बुजा। कृष्णानुगामिनी कृष्ण पाद पद्मारति प्रदा कृष्णानंदमयी श्रीमद् वृंदावन विहारिणी कृपा दृक्पात मात्रेण कलिका लुष्यनाशिनी सदा तिष्ठतु मे चित्ते सर्व पाप प्रणाशिनी। प्रेम से बोलिए यमुना महारानी की जय। यमुना जी के 28 नाम अब हमारे सामने दिव्य भजनों के साथ